पल्लवी के साथ जो किया और उस जैसी अनेकों कितनी लड़कियों के साथ जो किया वो तो सो किया ही है, लेकिन आपने अपनी बीवी के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है और जिसकी सजा एक ना एक दिन तो आपको मिलनी ही है। और हां, एक बात याद रखिएगा कि आपके गुनाह का हर सबूत हमेशा मेरे ही पास मिलेगा। ओह शट अप गगन, शट अप। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही से देश के बाहर जाने का प्रोग्राम बना रखा है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी धमकी का जवाब जरूर देकर जाऊंगा। वाह मिस्टर केडिया, वाह। आप तो रोमांटिक होने के साथ साथ बड़े ही दबंग किस्म के इंसान निकले। और कॉम्बिनेशन मिस्टर विवेक केडिया, ये बात अच्छे से जान लीजिए, जब तक इस बात का सही जवाब नहीं मिल जाता मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे वसुंधरा, अगर मैं नहीं गया तो मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और तुम तो मेरी पत्नी हो। आपकी पत्नी हूं तभी चाहती हूं कि आप निर्दोष साबित हो, लेकिन अगर आप गलत साबित हुए तो यकीन मानिए तो एक औरत होने के नाते मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस पल्लवी के साथ ही खड़ी हुई मिलूंगी, आपके साथ नहीं। सचमुच मन खुश हो गया वर्तिका, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर। सचमुच मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। एक बात कहूं वर्तिका जी, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार नारी सुधार केंद्र में देखा था ना, तो मुझे उसी वक्त ऐसा लगा था कि तुम अलग हो सबसे और कुछ ना कुछ जरूर करोगी जीवन में। खैर छोड़ो, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, शादी वगैरह की? अरे नहीं नहीं, अभी तो उस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। और सच कहूं तो ये शादी प्यार व्यार आपको आपके जीवन के मकसद से बहुत दूर कर देते हैं। जहां तक मेरा मानना है, सच्चा प्यार तो इंसान को कभी कभी मिलता है, लेकिन अगर लड़की किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ जाए तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। मीनाक्षी जी, ये हैं चंदा रानी जी, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाकर खिलाती हैं। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। वर्तिका दीदी तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत बना लेते हैं। वैसे हमारी दादी और हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस उन्हीं को देख देख कर हम सीखे। वैसे रात का खाना खा कर ही जाना। वैसे भी जो हमारे घर में आता है तो हम बिना खाए। बस बस चल। हनी जी, आपकी तो सुपर फास्ट ट्रेन शुरू हो गई। आप एक काम करिए, आप किचन में जाकर काम करिए, हम मीनाक्षी जी से कुछ बात करते हैं। जी बहुत ज्यादा बोलती हैं। मेरी फ्रेंड पल्लवी, उससे तो इनका नाम शोले की बसंती रखा है। पल्लवी? अरे मैंने आपको पल्लवी के बारे में नहीं बताया। पल्लवी मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे साथ ही रहती थी, अभी थोड़ी सी नाराजगी की वजह से यहां से चली गई है। और देखिए ना, नाराजगी की वजह से मुझे फोन भी नहीं करती है। पता नहीं कैसी होगी, कहां होगी,
क्या कर रही होगी। आजकल तो तुम्हें टीवी पर अक्सर इंस्पेक्टर नलिनी के साथ देखा गया, और अब तो सभी को ये पता है कि नलिनी जी के साथ तुम्हारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। एक बात कहूं वर्तिका जी, क्या तुम मुझे एक बार उनसे मिलवा सकती हो? हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे एनजीओ में भी ऐसे लोग शामिल हों जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाने को तैयार रहे। कुछ मालूम पड़ा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है या जिसने एक्सीडेंट किया? मैडम, हम तो सीधे यहाँ लेके चले आए हैं और आपको खबर कर दी, क्योंकि इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि ये। आपने बहुत अच्छा किया जो हमें खबर कर दी। अब कोई चीज मिली इनके पास? जी हाँ मैडम, उनका मोबाइल उनके पास ही मिला, बाकी कुछ भी नहीं। नलिनी जी, आपकी उम्र बहुत लंबी है। मेरी एक पुरानी जाने वाली महिला है, बस आपके विषय में बात कर रही थी। और आपने कहा, हमने जो बताने के लिए आपको इस समय फोन किया है उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्या बात है नलिनी जी, सब ठीक तो है ना? नहीं, पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हम उसके पास अभी अस्पताल में ही हैं।
नली जी, मैं बस वहीं पर आती हूँ, आप वहीं रुकिएगा। मीनाक्षी जी, मुझे माफ करिएगा, मेरी फ्रेंड पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं आपसे बाद में बात। हेलो पल्लवी, क्या बात है बेटा, और तूने फोन क्यों काट दिया? इस समय तू कहाँ है पल्लवी? पल्लवी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम नलिनी सिंह बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर नलिनी सिंह, और हम आपको ये इत्तला करना चाहते हैं कि पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत संगीन है। आप इंस्पेक्टर नलिनी सिंह बोल रही हैं? तो पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया है, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसका फोन था? अरे क्या हुआ पल्लवी को? तुम बोलते क्यों नहीं हो? है कहां वो? ये क्या बोलेगी मां? इन्होंने पल्लवी की करतूतों पर ऐसा पर्दा डाल रखा है, ऐसा पर्दा डाल रखा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। ऐसा पर्दा डाल रखा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जबकि मैं इसे 100 बार कह चुका हूं, पल्लवी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अब देखती, पता नहीं वो क्या करती फिर रही है कि हमारे घर पर पुलिस के फोन आने लगे। मुनीश जी, एक बात आप कान खुलकर सुन लीजिए, पल्लवी का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मुझे आभास है कि उसकी जिंदगी में उठ चुके गलत कदम कहीं हमारी छवि को धूमिल न कर बैठे। हमारी छवि जिसे बनाने में हमारी पूरी जिंदगी लग गई है। प्लीज प्लीज, इन सब बातों को भूलकर आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए।
हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं। देखिए अपनी इमेज को भुलाकर हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए प्लीज। ये नहीं हो सकता, हमसे इस बात की उम्मीद करना व्यर्थ है। अनिरुद्ध गलत कह रहे हो तुम। इस समय रुक्मिणी की बात मानकर तुम्हें उसके साथ अस्पताल जाना चाहिए और तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि एक पिता के दिल में अपनी छवि हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाए। और बहू अगर ये सोचने के बाद भी तुम्हारे साथ नहीं जाता तो अपनी बीमारी भूलकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि उसको इस समय हमारी जरूरत है, उसे अपनों की जरूरत है, हमें इसके पास होना चाहिए। देखिए मां, मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर सकता, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप तकलीफ मत कीजिए। हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपका मान रखने के लिए।